Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, sare ki sare link description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe Fing, one of the recent videos unke 10 things you should never google, part 4 hai ye, shock edition. मैंने उनका एक एक वाला पार्ट देखा हुआ है एंड आई थॉट एक ही पार्ट है विच आई डोंट चेक, तो मेरी गलती है येस. लेकिन काफ़ी लोगों का रिकमेंडेशन आ रहा था टू डू फिंग वीडियो स्पेसिफिकली, और सेकंड बात की ऐसा कुछ थिंग्स दैट यू शुडंट गूगल डार्क वेब वाला. डार्क वेब मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, आई डोंट नो उसके पार्ट्स है कि नहीं है, देन हमने दूसरा पार्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक देखा हुआ है एंड दिस टू हैव सीन वन. सो मुझे लगा था मैंने तो किया हुआ है, दैट्स वाई, बट आई हैड नॉट. सो हियर वी गो. ओके, शॉक एडिशन. उम्मीद करते ही वीडियो जाएगा और मजा आएगा, बिकॉज द शॉक थिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो सो हम साथ देख पाए और साथ एंजॉय कर पाए. दैट्स ऑल आई वॉन्ट यू टू, प्लीज मेक इट हैपन, लेट्स गो. गूगल तो हम सभी यूज करते हैं, कोई भी हमें परेशानी होती है, हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम सीधा सीधा जाके गूगल पे सर्च कर लेते हैं और हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं. Exactly. हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, कुकिंग से लेके ड्राइविंग तक, मतलब हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे. लेकिन जब तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, कुछ चीजें ऐसी हैं गूगल पे जो तुम्हें कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए. देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नेवर एवर गूगल. सो गाइस, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हें कभी भी गूगल नहीं करनी चाहिए. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम में ज्यादा ही ब्रेवरी है, तुम ज्यादा ही ब्रेव हो, बहादुर हो, तो तुम एक साइड में अलग टैब खोल सकते हो और साथ में सर्च कर सकते हो. लेकिन तुम्हारे साथ उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ. दिस इज समथिंग रिलेटेड डार्क वेब आई थिंक. मैंने वो वीडियो देखी थी ना, आई हैड चिल्स द होल नाइट. लाइक ये एक पूरी सीरीज है मेरे चैनल पे, तो अगर तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो तुम अभी भी देख सकते हो जाके, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे. तो अब हम लिस्ट शुरू करते हैं. नंबर वन इज kekma.ga. kekma.ga इज अ वेबसाइट जिसके ऊपर तुम्हें काफी सारे लिंक्स मिल सकते हैं उन वेबसाइट्स के जो बेसिकली शॉक साइट्स हैं. नाउ व्हाट इज अ शॉक साइट? शॉक साइट इज बेसिकली ऐसी वेबसाइट जिसको क्लिक करते ही, जिसको ओपन करते ही तुम्हें कुछ ऐसा देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकता है जिससे तुम्हें इंस्टेंटली शॉक लगे. kekma.ga एक ऐसी वेबसाइट थी जिसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता था रेडिट पे या ओमीगल पे लोगों को शॉक करने के लिए, प्रैंक करने के लिए. अच्छा. लेकिन इस साइट पे धीरे धीरे इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें आने लग गई कि लोगों को उन वीडियोज को, उन पिक्चर को देख के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत डिस्टर्ब्ड फील होता था. इट्स अ वेरी डेंजरस वेबसाइट, और रेडिट पे ये वेबसाइट काफी ज्यादा यूज होती थी लोगों को प्रैंक करने के लिए. ऐसा भी होता था पहले कि लोग अपने फ्रेंड्स को ये वेबसाइट के लिंक्स भेजते थे, अलग अलग लिंक्स भेजते थे उनको शॉक करने के लिए. लेकिन ये आगे जाके बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया था. तो आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम ये सर्च करने का सोच रहे हो तो एक बार फिर से सोच लो कि तुम ये करना चाहते हो नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पे तुम्हें कुछ भी मिल सकता है. इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे जिनको तुम्हें गूगल नहीं करने चाहिए, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये सीधा सीधा मेरी ऑडियंस से ही आए हैं. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी थी कि मैं ये पिछले पार्ट्स में कुछ चीजें मिस कर देता हूँ या फिर कोई ऐसी चीज तुम्हें लगता है जो मेरे को डालनी चाहिए तो तुम वो मेरे को बता सकते हो. और kekma.ga was the number one recommended website जो लोगों ने बोला था कि कभी भी गूगल नहीं करनी चाहिए. kekma.ga लोगों ने मतलब गूगल किया है, बनाया हुआ बहुत सारे लोगों ने, उनमें से एक ये रहा, तुम खुद देख सकते हो. It's a very creepy website. Exactly. तो अपने भरोसे ही नहीं. इस वेबसाइट को ओपन करना. Don't tell me. Number two is death with eye open. ये चीज कही जाती है कि अगर तुम किसी की भी डेथ देखते हो और उसके बाद अगर तुम डेड बॉडी को देखते हो और उसकी आंखें खुली हुई हैं, it means कि तुम्हारे आसपास भी डेथ बहुत जल्दी आने वाली है. इट कैन बी यू और एनीवन यू लव और एनीवन. ओके, पहली बार सुना. ये बहुत टाइम से ये ट्रेंड बना रहा है कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि वो बहुत बैडास है, वो इस चीजों को सर्च करते हैं. और लोगों ने खुद बोला है कि वो खुद इस चीज का रिजल्ट देख चुके हैं. तो नेवर एवर सर्च डेथ विद आई ओपन ऑन गूगल, क्योंकि तुम्हें गूगल इमेजेस पे भी काफी सारी इमेजेस मिल सकती हैं ऐसी जिसके अंदर डिस्टर्बिंग, कौन सर्च करेगा ऐसा, एंड इट कैन बी रियली बैड फॉर यू.
नंबर थ्री इज टब गर्ल. तुम में से जिन लोगों ने इसको सर्च कर रखा होगा उनको पता है कि मैं कितनी खतरनाक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे. गूगल भी नहीं है, सर्च कर दो टब गर्ल. तो इट्स वेरी पॉसिबल कि किसी ना किसी साइट पे पहुंच के यू कैन सी अ पिक्चर व्हिच इज सो डिस्टर्बिंग. इसको देखने के बाद मैं ही खाना नहीं खा पाया था एक दो दिनों तक. इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स डिस्गस्टिंग. और उस पिक्चर में ये होता है कि एक एशियन गर्ल होती है, आई थिंक जापानीज गर्ल होती है, जो एक टब में होती है. उसने खुद को फोल्ड कर रखा होता है और मेरे को ये बोलते हुए बहुत अजीब फील हो रहा है. आई कांट बिलीव मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, बट अगर तुम ये पिक्चर देखते हो तुम देखोगे कि इस लड़की ने खुद को फोल्ड कर रखा है और उसकी एनस में से कुछ ऑरेंज लिक्विड निकल रहा है और वो सीधा उड़ के उसके मुंह में. मेरे को खुद अभी वो पिक्चर याद आ रही है और तुम खुद देख सकते हो मैं कितना अनकंफर्टेबल हूँ अभी. डोंट गूगल दिस एवर, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी. नो नीड, नो नीड. ऑन अ सीरियस नोट, नो नीड टू सर्च टब गर्ल. तुम सब ये एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हो कि ये वीडियो बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड है और वेल एडिटेड है. और वो इस वजह से आई टुक हिट द होल टाइम. फिल्मोरा इज एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लेट्स स्किप द गुड पार्ट. फोर्थ नंबर पे अगर हम इतनी खतरनाक चीजों के बारे में बात करें, इतनी डिस्गस्टिंग और इतनी डिस्टर्बिंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं. अगर तुम गेमर हो, ठीक है, और तुम गेम प्लेज वगैरह देखते हो और तुम कोई ऐसा गेम प्ले नहीं देखना चाहते जिसको देख के तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाए या फिर तुम अपना माथा पकड़ लो कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये गेम प्ले इतना ट्रैश है, तो तुम सीधा सीधा जा सकते हो फिंक प्लेज पे. फिंक प्लेज इज अ चैनल जिसके ऊपर बहुत ही खराब गेम प्ले होता है, लेकिन बहुत ही सारे स्ट्रीम हाइलाइट्स वगैरह उसको देख सकते हो जाके. वहाँ पे बहुत बहुत अजीबोगरीब चीजें होती रहती है, तो तुम जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो. अगर तुम में ज्यादा ही हिम्मत है तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो. आई कांट बिलीव मैं अपने ही चैनल डाल रहा हूँ इस लिस्ट में. नो एग्जैक्टली. नंबर 5 इज रॉबर्स गेटिंग. मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया में रहती है और हमने इंडिया में ये चीज देखी हुई है कि कोई भी अगर कोई चोर होता है जो कुछ चोरी करके भाग रहा है या उसको पकड़ लिया जाए एकदम से, तो पकड़े जाने के बाद तुम्हें खुद पता है कि जो पब्लिक है वो क्या हाल करती है उसकी. लेकिन ये चीज खाली इंडिया में ही नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में है. एंड यू हैव नो आइडिया कि बाहर की कंट्रीज में लोग किस हद तक चले जाते हैं उन रॉबर्स को पनिश करने के लिए. डेथ भी एक छोटा वर्ड है अगर मैं रखना चाहूँ तो, क्योंकि जो हाल उनका करा जाता है तुम देख के हिल जाओगे. तो नो नीड टू सर्च रॉबर. Obviously, I ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी कि तुम्हारे अंदर खौफ बढ़ जाएगा कि कोई गलती से भी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगा दे. I've seen a few clips और मेरी हालत खराब हो गई थी. ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इतनी डिस्टर्बिंग चीजें देखता हूँ कि तुम्हें आइडिया नहीं है. सही बता रहा हूँ, मैं अगर इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट देखता तुम लोग के लिए, तो गाइस तुम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो. मेरी आदत है. नंबर 6 इज मीट स्पिन. देयर्स दिस वन सॉन्ग राइट राउंड करके आई थिंक, मैं गाना ये गाना तुमने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा. लेकिन ये जो ट्रेंड है मीट स्पिन नाम से, मीट स्पिन में बेसिकली एक शॉक वीडियो होती है. शॉक वीडियो जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखते ही तुम्हें इंस्टेंटली शॉक लगेगा, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करोगे और तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि तुमने क्या देखा. दिस इज वन वीडियो जिसके अंदर एक आदमी एक ड्रिल मशीन लेके इज ड्रिलिंग अ होल इन हिज, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में यही गाना चल रहा होता है. इट्स अ शॉकिंग वीडियो. तो कभी भी मीट स्पिन सर्च मत करना. ये वीडियो जब तुम्हारे सामने आएगी तो और जो तुम्हारा रिएक्शन होगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि तुमने क्या देखा और तुम्हारे साथ क्या हुआ. इस चीज के रिएक्शन लोग बना चुके हैं, इस चीज को यूज कर चुके हैं लोग अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए. वैसा ही एक रिएक्शन में अभी तुम्हें देखा और उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है इस वीडियो में. तो मैं देख ही सकते हो कि क्या रिएक्शन है. सो गाइस नेवर एवर सर्च मीट स्पिन ऑन गूगल. नंबर 7 इज goatse.cx. ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर काफी सारे लिंक्स रहते हैं बाकी शॉक वेबसाइट्स के, लेकिन goatse.cx ये जो नाम है ये अटैच्ड है एक वीडियो से या फिर कह सकते हैं एक पिक्चर से. दोनों चीज अवेलेबल है. इसके अंदर एक इंसान बेसिकली अपने एनस को अपने ही दोनों हाथों से इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है, लाइक इट्स डिस्गस्टिंग. तुम देखोगे तुम्हें बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, तुम्हें ब्रेन डैमेज हो सकता है. और जो पिक्चर ली जाती है वो फ्लैश के साथ ली जाती है कैमरा से, जिससे वो फ्लैश को यूज करके अंदर सब कुछ देखा जा सके. इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग, इट्स सो डिस्टर्बिंग. गाइस मत सर्च करना, मत देखो. नेवर एवर गूगल goatse.cx क्योंकि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. That's me. Who's not never gonna see it?
नंबर 8 पे एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तुम्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख के तुम मर सकते हो। तुम वो ऐसी वीडियोस है जिनको देख के तुम हंस हंस के मर जाओगे एंड तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कभी भी उन वीडियोस को अपने पेरेंट्स के आसपास मत देखना। वो चैनल है Fing Extra. Fing Extra is a channel जिसपे Reddit videos होती हैं, काफी meme videos होती हैं, काफी funny videos होती हैं। That's a great way to plug in. मैंने दो channels plug in किए इसमें। So guys, never search Fing Extra on YouTube. और तुम में ज़्यादा हिम्मत है तो no, I've tried. At your own risk. वैसे तो इसकी videos. Number 9 is MD Pope. MD Pope is a short form. इसका long form है Most Disturbed Person on Planet Earth. ये भी एक website है जिसके ऊपर तुम्हें एक ऐसी फिल्म मिलेगी, इट्स अ होल फिल्म, इट्स अ कॉम्पाइलेशन ऑफ मल्टीपल शॉक क्लिप्स, जिसके अंदर तुम्हें कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। तुम्हें गोर मिल सकता है, तुम्हें बहुत डिस्गस्टिंग चीजें देखने के लिए मिल सकती है, तुम्हें टेररिस्ट क्लिप्स मिल सकती है। इन सारी क्लिप्स का कॉम्बिनेशन इज एमडी पोप। आई थिंक इट्स एन आर लॉन्ग फिल्म, और जिस इंसान ने ये पूरी वीडियो देखी है आई थिंक उसको टाइटल मिल सकता है मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। इस पूरी फिल्म का नाम पड़ा था एमडी पोप। नेवर एवर सर्च एमडी पोप ऑन गूगल, क्योंकि अगर तुम क्यूरियोसिटी से भी ये देखने जा रहे हो तो आई डोंट थिंक तुम दो मिनट से भी ज्यादा देख पाओगे। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड ऑन गूगल ऑल्सो, क्योंकि ये इतना डिस्गस्टिंग और इतनी डिस्टर्ब्ड वीडियो है कि गूगल ने भी काफी साइट से इसको बैन कर दिया था। गूगल कभी खुद भी रेकमेंड नहीं करेगा इसे, तो ये काफी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हो सकता है तुम्हारे लिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम प्रैंक करोगे किसी और को भेज दोगे, कोशिश भी मत करो। यू नेवर एवर गूगल एमडी पोप। कौन ऐसे प्रैंक करता है? इट्स नॉट रियली। And number 10 is weapons befriend each other together. हमारी गवर्नमेंट है और काफी सारी और गवर्नमेंट्स का सिक्योरिटी सिस्टम कहीं ना कहीं सेम लेवल पे चलता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट ये चीज निकल के आई थी, आई रीड इट समवेयर, कि अगर तुम वेपन्स और लोकेशंस साथ साथ सर्च कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स तो तुम गवर्नमेंट के रेडार में आ सकते हो। बेसिकली अगर तुम कोई वेपन सर्च करते हो जैसे पिस्टल, राइफल, स्नाइपर, अलग अलग टाइप्स देख रहे हो, वेयर कैन यू बाय देम और ये सारी चीजें, उसके बाद यू आर सर्चिंग लोकेशंस कि ये लोकेशन कहाँ है कि और दूसरी लोकेशन कहाँ है, इफ यू डू दैट तुम सीधा सीधा गवर्नमेंट के रेडार में आ सकते हो। और इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे जाके कोई तुम्हारे ही लोकेशन के आसपास, भगवान ना करे, बट अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, कुछ खतरनाक होता है तुम्हारे घर के आसपास रिलेटेड टू वेपन्स, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि सबसे पहला शक तुम्हारे पे ही जाएगा। ये तुम्हारे लिए बहुत सिचुएशन मुश्किल कर सकता है फ्यूचर में। नेवर एवर ट्राई टू सर्च वेपन्स एंड लोकेशंस टुगेदर। गाइज ये मजाक की बात भी नहीं है, क्यों आना है तुम्हें रेडार में, क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, तो नेवर एवर गूगल वेपन्स एंड लोकेशंस। ऑल ऑफ थिंग्स दैट आई मेंशनड हियर, क्यों करना है? Guys, make sure you remember, this whole video is made with the help of Filmora. You should try it too. Link in the description with your wife. Go and try Filmora. So guys, ये थी मेरी 10 topics की list जो तुम्हें कभी Google नहीं करनी चाहिए. This was the shock edition. I hope तुम्हें video पसंद आई होगी. अगर तुम्हें video पसंद आई तो make sure कि तुम like करो, share करो and subscribe करो, क्योंकि ऐसी और shocking और खतरनाक videos मैं लाने वाला हूँ. Thank you so much for watching this video. और अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली video. Bye bye. Bye bye. I'm shocked कैसी चीजें भी है, like you know, I don't know what to say. मुझे नहीं पता, I have no idea what to say. Just like in shock. क्यों, like why will, see कोई search करेगा उससे पहले ऐसा लोग चीज बना चीज़ें ऐसी, I can't even make a sentence अभी. कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, पहली बात यही है. There are people who do such ridiculous things, such inhumane things. देखने जाए curiosity से सिर्फ देखे या फिर that's a whole different thing. First, those things exist. वो ज़्यादा शौक की बात है. आई वुड नेवर एनी, आई डिडंट इवन नो अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करती हूँ. आई मीन आई लाइक टू हियर अबाउट देम, जैसे अभी हमने कहानी सुनी, उसको कहानी के तौर पे सुनने का, फिर भूल जाने का, कभी ट्राई नहीं करने का कभी. और प्रैंक, आई गाइस दिस इज़ नॉट फनी. आई मीन इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रैंक समवन, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. आई थरली बिलीव इट कैन बी वेरी रिस्की टू डू सच थिंग्स. तुम्हें भी किसी मुश्किल में डाल सकता है जिस पे प्रैंक हो रहा है उसको भी. मे बी यू नेवर नो वॉट हैपन्स फिजिकली टू दैट पर्सन, अगर
उसने वो देख लिया है एंड देन द गिल्ट इज ऑन यू फॉर लाइफ फॉर श्योर. आई एम ग्लैड मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, बट इफ यू एवर हैव अ फ्रेंड ऐसा कोई डी फ्रेंड. नो दिस इज नॉट इवन अ जोक. बट आई प्रैंक, कोई प्रैंक कर सकता है ऐसे. यू आर एज डिस्टर्बिंग एज सम ऑफ दिस पीपल इन द वीडियोज. अगर आप सोच सकते हो कि फनी है और किसी को प्रैंक करना चाहिए, पीरियड देयर. ओके, दिस वॉज अ रियली रिस्की वीडियो. बहुत ही मज़ा आया मुझे सुनने में, बहुत ही मज़ा आया. आई रियली होप वी एन्जॉय टुगेदर. बट यूट्यूब की गाइडलाइंस है जिसकी वजह से कुछ होता है कुछ चैनल्स पे, सब चैनल्स पे वो चीज़ नहीं लागू पड़ रही है. आई डोंट नो व्हाई, बट यूट्यूब का रोबोट का प्रॉब्लम है. आई कांट हेल्प इट. बट मेरी चैनल इज ऑलवेज सम हाउ इन द रैडार ऑफ देम. और ये प्रॉब्लम 6-7 महीनों से चल रहा है अभी. But we are dealing with it fine. So I hope this works out as well. Because I want this video to go with you. I'll see you guys next time. Bye berries. Love you.